ललितपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर फरियादी भूपेंद्र सिंह राजपूत पुत्र हजरत सिंह निवासी मोहल्ला डुमरा थाना जखौरा जिला ललितपुर ने जखौरा पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि 31 दिसंबर 2020 की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच जखौरा थाना इंचार्ज अवध नारायण पांडे ने प्रार्थी के बड़े भाई सत्येंद्र सिंह को पकड़ लिया और थाने ले आई, जहाँ सत्येंद्र सिंह ने थाने लाने का कारण पूछा तो उसे छोड़ने की एवज में पुलिस ने उससे 20,000 रुपये की मांग की। जब उसने रुपए देने से इनकार किया तो जखौरा पुलिस द्वारा उसे डंडों और बंदूक की बटों से उसके पैरों में इतना मारा कि उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। बाद में पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखौरा में छोड़कर भाग गई और धमकी दी कि अगर तूने मेरे और तेरे भाई ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम तुम दोनों को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। इस घटना को वहां मौजूद कई लोगों ने देखा। पीड़ित पक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी और पुलिस अधीक्षक ललितपुर को प्रार्थना पत्र देते हुए मांग की है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए और पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। ललितपुर से राम कुमार पटेल की रिपोर्ट। टैक्सी चलाता तो मोटा स्टैंड था तो अपने बैठे थे टैक्सी में, पकड़ लेगा पुलिस वाले, थाने में मारपीट करी, मारपीट के अस्पताल भेजे आए, अस्पताल से फोन करे कि लड़का को उठा ले जाओ, हमारे दूसरे लड़का का उठावे सो तो दोनों पैर टूटे मिले। एक लड़का फौजी है, 1.5 साल से देश की रक्षा कर रहा हो, हमारे परिवार को मुझे पटवार है सब। किस बात में पुलिस ने मारपीट की? कुछ बात में नहीं, कछु काम रवाई नहीं, कछु नहीं हो तो उसे पकड़ लेगा। क्या कह रहे थे? पैसों जेब में रखे थे 5,000 से निकाल लाए, बस इतने कई काम। क्या कर रही थी वहाँ पर पुलिस? चेकिंग कर रही थी। अच्छा। बस तो क्या लड़कन को उठा ले गए तो क्या लड़कन को भगा दो, मारपीट के थोड़ा थोड़ा जोर आई विरोध कर रहा था कि हमें किस लिए पकड़े है, किस लिए हमें तुम पकड़ लिया, हमने कछु करे तो है ना, जो भग रहा था पेरन में मारता। क्या चाहती है आप लोग? हम तो जय जाओ के बस हमारा लड़का सही हो जाए। जो है बस हमारा लड़का सही हो जाए। चाहती है जिनने मारा उनके खिलाफ कार्रवाई? हमारा तो सही कह दे, मैं लड़का कार्रवाई क्या सर? सब्जी मांगने सर, सर मैं एक सब्जी लेने गया सर बस स्टैंड पे, तो पुलिस की जीप आई और सर मुझे बैठा के जबरदस्ती पकड़ के ले गए सर, और वहाँ पैसों की मांग करने लगी। मैंने पूछा भाई मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है सर, ये तो बताएं जरा। सर अंदर बताते हैं बोलते हैं, तो मैंने सर अंदर ले जाके उन्होंने पैसों की मांग की सर, हमने पैसे नहीं दिए, उन्होंने कि चल हम पैसे तेरे से वसूल करते हैं, और दोनों हाथ पैरों में लाठी बरसाने लगे सर। मैं उनके हाथ पैर ही जोड़ता रहा और वो मारते ही रहे सर, और बाद में हाथ पैर दोनों टूट गए और मैं आराम से बेहोश हो गया सर। बेहोश होने के बाद सर फिर मुझे अस्पताल में छोड़ के और जल्दी से भाग गए सर। मैं अकेला अस्पताल में डला रहा सर 1 घंटे। कब की घटना है? कब? 31 दिसंबर की शाम 6 बजे की घटना है सर।